तो दोस्तों आज हम डालेंगे सिंपल ट्रेनर। बहुत ही अच्छा होता है ये ट्रेनर और बहुत ही इजी होता है डालना। अगर तुम लोगों का मेन्यू ट्रेनर वगैरह नहीं डल रहा होता, नेटिव ट्रेनर वगैरह नहीं चल रहा होता, कोई भी इशू आ रहा होता है किसी भी ट्रेनर में, तो तुम लोगों ने सिंपली सिंपल ट्रेनर डाल लेना है और तुम्हारी मॉर्निंग वगैरह हो जाएगी। बहुत इजीली चल जाता है, कोई इशू नहीं आते इसमें, बहुत जबरदस्त रहता है। हर तरह के गेम वर्जन के साथ, हर तरह के गेम के साथ चलता है सिंपल ट्रेनर। तो आज हम सिंपल ट्रेनर ही डालेंगे। तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने इस वीडियो के नीचे जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है उस पहले लिंक पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे सामने GTA 5 मॉड्स की वेबसाइट खुल जाएगी और उस पर तुम्हारे सामने सिंपल ट्रेनर फॉर GTA 5 14.6 वर्जन मिल जाएगा। इसको तुम लोगों ने लेटेस्ट वाले वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इसके नीचे डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई है कि क्या क्या इसमें मौजूद होता है, तो इस सबको ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ लेटेस्ट वर्जन वाला जो 14.6 टॉप पर जो डाउनलोड बटन नजर आ रहा है इसको क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये तुम्हारा सिंपल ट्रेनर फॉर GTA 5 14.6 वाला डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद तुम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जो मैंने सेकंड लिंक दिया हुआ है उस सेकंड लिंक पर जाकर क्लिक करना है और हमेशा की तरह तुम्हारा खुल जाएगा स्क्रिप्ट हुक वी। स्क्रिप्ट हुक वी हम लोग ऑलमोस्ट हर वीडियो में डाउनलोड करते हैं क्योंकि सारी मॉडिंग स्क्रिप्ट हुक वी से ही होती है। तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो 2nd मार्च 2023 लेटेस्ट वर्जन इसका रिलीज हुआ था, जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था। और मेरी मेन्यू ट्रेनर वाली वीडियो में भी इसका लिंक मैंने अपडेट कर दिया है। जिसको भी मेन्यू ट्रेनर में मसला आ रहा है तो स्क्रिप्ट हुक वी लेटेस्ट वाले वर्जन का डाउनलोड कर लेना और तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर का मसला हल हो जाएगा। फिलहाल तो सिंपल ट्रेनर हमने डालना है, तो यहां से हम स्क्रिप्ट हुक वी जो लेटेस्ट वर्जन वाला है इसके डाउनलोड पर यहां पर इस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये भी हमारा स्क्रिप्ट हुक वी भी डाउनलोड हो जाएगा। फिर हमने सिंपली इसको अपने फोल्डर्स में खोल लेना है। दोनों जिप फाइल्स होंगी, जिप फाइल्स को हमने फोल्डर बनाकर एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे मैं हमेशा करता हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को दोबारा से दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो तुम लोग, मैंने सिंपल ट्रेनर का एक अलग से फोल्डर बना लिया था, उसमें ये दोनों फाइल्स मौजूद हैं। ये मैंने सिंपल ट्रेनर डाला हुआ है, ट्रेनर वी डॉट रार जिसके आगे लिखा हुआ है, और ये स्क्रिप्ट हुक वी डाला हुआ है। तो ये दोनों को हम एक नया फोल्डर बनाकर, दो अलग अलग फोल्डर बनाकर, एक सिंपल ट्रेनर का फोल्डर बनाएंगे और एक स्क्रिप्ट हुक वी का फोल्डर बनाएंगे और इन दोनों को उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी देख सकते हो ये जिप फाइल्स हैं। यहां से मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूं। न्यू फोल्डर का पहले मैं नाम रखता हूं सिंपल ट्रेनर। ये मैंने सिंपल ट्रेनर इसका नाम रख दिया। सिंपल ट्रेनर का फोल्डर बनाने के बाद मैं सिंपल ट्रेनर वाला जिप फाइल खोल लेता हूं। ये मैंने जिप फाइल खोल ली। अब इसकी सारी की सारी फाइल्स को मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये मैं फोल्डर में डाल दूंगा। अगर तुम चाहो यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इस फोल्डर पर, या फिर अगर चाहो तो इस फोल्डर को खोल लो और फिर ये जिप फाइल्स को यहां से सारी की सारी को सेलेक्ट करके इधर जाकर ड्रॉप कर दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो यहां पर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये सिंपल ट्रेनर हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद अब हमने स्क्रिप्ट हुक वी का फोल्डर बनाना है। तो मैं वापस आ गया यहां पर और स्क्रिप्ट हुक वी फोल्डर के लिए न्यू फोल्डर पर क्लिक किया। यहां पर मैं फोल्डर का नाम रख देता हूं स्क्रिप्ट हुक वी। हमेशा की तरह मैंने ये फोल्डर का नाम स्क्रिप्ट हुक वी रख दिया। अब मैं स्क्रिप्ट हुक वी की फाइल्स खोल लूंगा, जिप फाइल्स जो थी, और इसकी ये तीनों की तीनों फाइल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, उठा के स्क्रिप्ट हुक वी का जो नया फोल्डर बनाया था उसमें डाल दूंगा, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हो स्क्रिप्ट हुक वी का फोल्डर, तुम लोगों को खोल के दिखा देता हूं। यहां पर तुम लोग देख सकते हो बिन की फाइल भी आ गई, रीडमी भी आ गई, devc.com URL भी आ गया। तो बिन के फोल्डर की हमें जरूरत पड़ती है बेसिकली। तो ये कैसे करना है अब मैं वो तुम लोगों को दिखा देता हूं। यहां से मैं वापस चला जाता हूं, फिर से मैं वापस चला जाता हूं। अब ये मेरे पास दोनों फोल्डर आ चुके, सिंपल ट्रेनर भी है, स्क्रिप्ट हुक भी है। अब मैं एक तरफ खोलूंगा GTA 5 की मेन रूट डायरेक्टरी, गेम डायरेक्टरी, गेम फोल्डर जो होता है, और दूसरी तरफ मैंने ये जो नया फोल्डर बनाया था सिंपल ट्रेनर के दोनों फोल्डर, फिर जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों फोल्डर्स में डाला था, ये वाला फोल्डर मैं खोल लेता हूं। यहां पर देख सकते हो मेरा GTA 5 का गेम फोल्डर खुल चुका है। यहां पर ये दिखा रहा है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, ये मैंने फोल्डर यहाँ पर खोल लिया, अपनी गेम डायरेक्टरी खोल लिया, रूट डायरेक्टरी। यहाँ पर देख सकते हो मेरा पहले से मेन्यू स्टफ भी डाला हुआ है, मेन्यू ट्रेनर वगैरह डाला हुआ है, सारी चीजें डाली हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से सारी चीजें डाल लूंगा। सिंपल ट्रेनर भी मेरा पहले से ही डाला हुआ है क्योंकि वो भी मैं यूज करता हूं, मुझे जरूरत पड़ती है उसकी, लेकिन मैं फिर से रिप्लेस करके तुम लोगों को दिखा दूंगा ताकि तुम लोगों को एग्जैक्ट अंदाजा हो जाए। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट हुक वी डाल लेना है हमेशा की तरह। तो स्क्रिप्ट हुक वी का फोल्डर मैं खोलूंगा, यहां से ये तीनों की तीनों फाइल्स को, मैं कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं बताऊंगा उसमें टाइम वेस्ट होता है, तीनों की तीनों फाइल्स को मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और ये GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आकर राइट क्लिक करके यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहां पर ये रिप्लेस का साइन इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि तुम लोगों को अभी मैंने बताया कि मैंने पहले से ही चीजें डाली हुई हैं, तो मैं इसको फिलहाल रिप्लेस कर देता हूं ताकि मेरा लेटेस्ट वर्जन पर आ जाए, अपडेट हो जाए। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। यहां पर ये बिन का फोल्डर भी आ चुका है, नीचे भी यहां पर फाइल्स वगैरह आ चुकी है। वैसे बेसिकली बिन के फोल्डर की ही जरूरत पड़ती है हमें। वापस इधर में आऊंगा, जो मैंने स्क्रिप्ट हुक वी का नया फोल्डर बनाया था इसमें मैं फिर बिन पर जाऊंगा। बिन पर जैसे ही जाऊंगा ये जो तीनों फाइल्स हैं, ये तीनों फाइल्स मैंने कॉपी पेस्ट करनी है GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में। मैं तीनों फाइल्स को सेलेक्ट करूंगा, यहां से राइट क्लिक करूंगा और कॉपी करूंगा, GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आऊंगा, यहां पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर इन सारी फाइल्स को मैं पेस्ट कर दूंगा। यहां पर ये रिप्लेस का साइन दिखाएगा क्योंकि पहले से ही डली हुई है, तो मैं इसको फिर भी रिप्लेस कर दूंगा ताकि मेरा लेटेस्ट वर्जन पर आ जाए। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। यहां पर अब तुम लोग देख सकते हो ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं, डिनपुट 8, नेटिव ट्रेनर और स्क्रिप्ट हुक वी.dll। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये दो
3/2023 यानी 2 मार्च 2023 को अपडेट हुआ था। तो ये लेटेस्ट वर्जन वाला मेरे पास स्क्रिप्ट भी आ गया है। मेरे सारे मेन्यू ट्रेनर के और नेटिव ट्रेनर के और सिंपल ट्रेनर के जो भी मसले आ रहे थे GTA 5 के वो हल हो जाएंगे अगर मैं स्क्रिप्ट भी ये वाला डाल लूंगा लेटेस्ट वर्जन वाला। अब मैं मेन जो नया फोल्डर बनाया था स्क्रिप्ट भी का उसमें वापस चला जाऊंगा, फिर से वापस चला जाऊंगा। यहां पर अब हमने सिंपल ट्रेनर डालना है। तो सिंपल ट्रेनर डालने के लिए सिंपल सिंपल हमने क्या करना है कि इसके फोल्डर को खोलना है। और यहां पर तुम लोग देख सकते हो readme.docs की फाइल है। इस फाइल को हम लोग खोल लेते हैं ताकि मैं तुम लोगों को बता भी दूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो। बहुत लंबी फाइल है, बहुत ही ज्यादा लंबी फाइल है। इसमें सारी डिटेल वगैरह दी हुई है कि कौन कौन से शॉर्टकट्स वगैरह हैं, बटन वगैरह क्या है। तो अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और शॉर्टकट्स का तुम लोगों को पता चल जाएगा। इसमें इंस्टॉल करने का भी तरीका ये रहा इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सारे लिखे हुए कि ट्रेनर को जो है किस तरह से करना है। दो फाइल होती है, दोनों फाइल्स को उठाकर GTA 5 की मेन गेम रूट डायरेक्टरी में डाल देना है, ब्ला 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 वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं, सिर्फ इस वजह से दिखाया कि तुम लोगों को अगर शॉर्टकट्स वगैरह जानने हो सिंपल ट्रेनर के तो वो तुम लोग पढ़ पाओ, रीड कर पाओ। अब हमने क्या करना है, हमने ये दो फाइल्स trainerv.ini और trainerv.asi इन दोनों फाइल्स को सेलेक्ट करना है और यहां से राइट क्लिक करके कॉपी करना है और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आकर राइट क्लिक करके इनको यहां पर पेस्ट कर देना है। ये भी रिप्लेस का साइन इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तुम लोगों को बताया था मेरा ऑलरेडी ये पहले से डला हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर भी रिप्लेस कर दूंगा ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो जाए कि कैसे ये नजर आएंगे। ये मैंने रिप्लेस किया, जैसे ही मैं इनको रिप्लेस करूंगा यहां पर देख सकते हो दोनों आ गए, trainerv.asi trainerv.ini। अगर तुम लोगों ने कुछ भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है सिंपल ट्रेनर की तो trainerv.ini को तुम लोग चेक करोगे तो इसमें सारी सेटिंग्स वगैरह होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नम पैड की सेटिंग्स करना चाहते हो, एरो कीज की सेटिंग करना चाहते हो, ऊपर नीचे कैसे जाएगा वो करना चाहते हो और बंद करना खुलना कैसे चाहते हो, तो वो सारा .ini में होता है। तो दोस्तों इस सिंपल सिंपल तरीके से सिंपल ट्रेनर हमारा डल चुका है। देखा तुम लोगों ने कितना आसान है इसको डालना, बहुत इजी होता है सिंपल ट्रेनर डालना। अब मैं GTA 5 खोलूंगा और तुम लोगों को सिंपल ट्रेनर चलाकर दिखाऊंगा कि कैसा चलता है सिंपल ट्रेनर और किस किस बटन से चलता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेन्यू ट्रेनर की तरह आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल बटन होता है, डिफरेंट बटन होते हैं। तो चलो फटाफट GTA 5 खोलते हैं और तुम लोगों को सिंपल ट्रेनर चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर अब हमारा GTA 5 लोड हो चुका है। यहां पर देख सकते हो गरीब ड्राइवर बेचारा नजर आ रहा है जो कि टैक्सी ड्राइवर बन चुका है। बहुत फटी हालत हो गई है इसकी, बहुत बुरी हालत हो गई है, गरीब हो गया है, इसके पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं। देख सकते हो 2598 जो लास्ट वीडियो में हमने टैक्सी चलाकर कमाए थे, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत मजे की वीडियो है। टैक्सी चलाना आ जाएगी तुम लोगों को GTA 5 में और पैसा कमाने लग जाओगे, बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। उस वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, लाजमी वीडियो देखना, बहुत मजे की वीडियो है। खैर अब हमने अपना GTA 5 खोल लिया है और ड्राइवर सामने खड़ा हुआ है अपनी फटी पुरानी हालत में। तो हमने सिंपल ट्रेनर लोड करना है। सिंपल ट्रेनर लोड करने के लिए हमने सिंपली सबसे पहले सिर्फ एक बार F3 दबाना है। मेन्यू ट्रेनर में तो दो बार F8 दबाना पड़ता है ना, लैपटॉप पर FN+F8 दबाना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंपली F3 दबाना होता है। और अगर लैपटॉप पर यूज कर रहे हो, मुझे लैपटॉप का अभी पता नहीं है क्योंकि मैं लैपटॉप पर हूं, तो मेरे ख्याल में लैपटॉप पर FN+F3 होगा या सिंपली F3 से हो जाएगा, लेकिन एक ही बार F3 दबाओगे तो तुम्हारे सामने सिंपल ट्रेनर का ऑप्शन खुल जाएगा। और सिंपल ट्रेनर कोई ज्यादा फालतू के स्टाइल वाला नहीं होता, कोई इसमें कलर्स वगैरह नहीं होते, कुछ नहीं होता। ये देख सकते हो तुम्हारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं, इसके सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा चलता ये नम पैड से है, नम पैड के जो ऑप्शन होते हैं ना, जैसे 8 से ये ऊपर नीचे होगा, ऊपर जाएगा 8 से और नीचे आएगा 2 से, यानी नम पैड के 8 वाले नंबर से ऊपर जाएगा, 2 वाले नंबर से नीचे आएगा, जो उस पर साइंस मार्क भी होते हैं। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को किसी ऑप्शन में जाना है तो तुम लोगों ने 5 दबाना है, बीच वाला बटन जो होता है 5 दबाओगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल व्हीकल ऑप्शंस पर जाएं, मैं यहां पर 5 दबाऊंगा, यहां पर सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, देख रहे हो कोडिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। मेन्यू ट्रेनर तो ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेन्यू बना हुआ है, वो कोई सिंपल चीज हो, लेकिन ये जो है ये सिंपल ट्रेनर का नाम होते हुए भी कोडिंग टाइप का लग रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना नजर आ रहा है। तुम लोग अगर चाहते हो मैं इसको एक्सप्लेन करूं सिंपल ट्रेनर को कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, जैसे मैंने मेन्यू ट्रेनर की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेन की थी, वो भी चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर मेन्यू ट्रेनर की वीडियो देख लो, 3 वीडियोस बनाकर डाली है मैंने, कंप्लीट डिटेल में मेन्यू ट्रेनर एक्सप्लेन किया हुआ है और टास्क सीक्वेंस वगैरह की भी वीडियो, तो मेरे चैनल पर जरूर जाना और मेन्यू ट्रेनर की वीडियो देख लेना, मेन्यू ट्रेनर कंप्लीट यूज करना आ जाएगा तुम लोगों को। और इसको लेकर अगर तुम चाहते हो कि मैं सिंपल ट्रेनर की कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूं कि सिंपल ट्रेनर क्या क्या है, किस तरह से चलता है, क्या क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं सिंपल ट्रेनर की भी वीडियो बना दूंगा डिटेल्स में।
अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर अब हमें वापस जाना है तो हमने मेरे ख्याल में जीरो दबाना होगा। हाँ, जीरो का बटन तुम अगर दबाओगे नम पैड पर तो ये वापस चला जाएगा, और इसको बंद करने के लिए बैक स्पेस का बटन होता है, एस्केप का बटन नहीं होता। ये देखो एस्केप दबा रहा हूं तो ये हमारा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का ऑप्शन खुल रहा है, ये बंद नहीं हो रहा मेन्यू ट्रेनर। मैं यहाँ से बैक स्पेस दबाऊंगा, बैक स्पेस का जो बटन होता है, जो मिटाने का बटन होता है, टेक्स्ट को मिटाने का, इजी सिंपल जबान में बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे लोग ये भी पूछते हैं बैक स्पेस कौन सा बटन है। अबे भाई जिससे मिटाते हैं ना, ABCD लिखते वक्त मिटाते हैं, वापस लेकर जाते हैं, वो बैक स्पेस होता है। तो बैक स्पेस का बटन दबाओगे तो ये मेन्यू ट्रेनर हट जाएगा। मुझे लगता है मेरे ना सारे व्यूअर्स को 4-5 साल के बच्चे हैं, हमें भाई समझाना मुश्किल हो जाता है कि बैक स्पेस कौन सा बटन है, एस्केप कौन सा बटन है। हद करते हो यार, कसम से यार, इतना तो सीख लो कि बैक स्पेस वो बटन होता है जिससे हम लोग मिटाते हैं। तो बैक स्पेस से ये हट जाएगा मेन्यू ट्रेनर, F3 से वापस आ जाएगा, 8 से ऊपर जाएगा, 2 से नीचे आएगा, 5 से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा, और 5 से ही सारे ऑप्शंस हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को कोई भी मसला आता है, कोई भी इशू आता है, तो तुम लोगों ने कमेंट कर देना है। कमेंट्स का मैं लाजमी जवाब देता हूं, हर मसले को हल करने की कोशिश करूंगा जो भी तुम लोगों का सिंपल ट्रेनर का मसला होता है। तो कमेंट कर देना, अगर कोई भी इशू आता है कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा हाँ यार देखो, ये लाजमी कर लेना है, मैं हर वीडियो में तुम लोगों को एंड में यही बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो इतना तो तुम लोग कर सकते हो कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे तकरीबन 84% नॉन सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो यार बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, और कौन सा तुम लोगों को मैं हर वक्त तंग कर रहा होता हूँ, सिर्फ एक वीडियो डलती है वो वीडियो तुम लोगों ने देखनी है, तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, और वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार। लाइक इस वजह से कर दिया करो क्योंकि मुझे तो पता चले कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। लाइक या डिसलाइक किया करो, कुछ भी करो, भले समझ में नहीं आती तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ करो तो ताकि पता तो चले मुझे कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे यूट्यूब से कि मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे जर्जी बात है मोनेटाइज होकर ही नहीं दे रहा था यूट्यूब। 2 कम्युनिटी स्ट्राइक आ गए थे तो फिर मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोगों के कमेंट्स, तुम लोगों के व्यूज, तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस बनाए जा रहा हूं ताकि तुम लोगों के मसले हल हो जाएं, और हर एक किसी को जवाब भी देने की कोशिश करता हूं, कमेंट का भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, हालांकि बहुत सारे हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबको जवाब दूं, तो तुम लोगों के लिए कर रहा होता हूं, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो को आगे शेयर करो यार, ताकि सिंपल ट्रेनर सबको डालना आ जाए और सिंपल ट्रेनर सब यूज कर लें, क्योंकि मेन्यू में भी इशू आते हैं, नेटिव में भी इशू आते हैं, लेकिन सिंपल ट्रेनर में मोस्टली कोई इशू नहीं आता, बहुत अच्छा चलता है, बहुत इजीली चल जाता है। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम लोग कमेंट्स में बोलते हो कि सिंपल ट्रेनर समझाऊं, तो सिंपल ट्रेनर को एक्सप्लेन करने की वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।